चाहूंगा, जून 22 को जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है। 8.5 महीने बाद ये बैठक हो रही है और इस बैठक के अंदर कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिस पर चर्चा संभव है। शुरुआत करते हैं फर्टिलाइजर्स से। फर्टिलाइजर्स के लिए रिकमेंडेशन भेजा गया था फिटमेंट को, लेकिन फिटमेंट का ऐसा कमेटी का ऐसा मानना है कि यदि जीएसटी इस पे हटाना है तो इसके लिए जीओएम जो बनाई गई है रेट रेशनलाइजेशन की, उसको इस पूरे मामले को स्टडी करना चाहिए। इस वजह से फिटमेंट ने जो फर्टिलाइजर का जो मामला है वो जीओएम रेट रेशनलाइजेशन को भेज दिया है। ये जो कमेटी है, ये यूपी के जो फाइनेंस मिनिस्टर है सुरेश खन्ना, उनकी अध्यक्षता में बनाई गई है। ये सभी जो आइटम्स हैं जो अभी जीएसटी में है, उन सभी पे चर्चा कर रही है कि किस पे कितना रेट रखा जाए और जो स्ट्रक्चर है उसमें भी चेंज करने की बात है। जो बाकी मामले भी हैं, चाहे नेचुरल गैस, पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, ये सभी मामले भी आने वाले समय में हो सकता है कि जीओएम आ जाए। इसके साथ साथ जो दूसरा बड़ा मुद्दा है वो है कि जो पुराने मामले जहां पे एक इंडस्ट्री प्रैक्टिस के तौर पे देखा गया कि नोटिसेस इशू हो गए, जैसे चाहे इंश्योरेंस का मामला हो या ऑनलाइन गेमिंग का मामला हो, इन मामलों को रेट्रोस्पेक्टिव जो नोटिसेस इशू हुए हैं उनको कैसे सुलझाया जाए, उसके लिए एक लॉ में अमेंडमेंट करने का जीएसटी काउंसिल विचार कर रही है। फिटमेंट ने रिकमेंडेशन भेजी है कि जिस तरीके से सेंट्रल एक्साइज एक्ट के अंदर एक 11C का प्रोविजन होता है, वैसा ही प्रोविजन एक जीएसटी में भी लाया जाए जिससे जो मामले हैं उनको सुलझाया जा सके। हालांकि जो जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं, उन्होंने कैटेगोरिकली ऑनलाइन गेमिंग का मेंशन या इंश्योरेंस कंपनीज का मेंशन नहीं किया है, लेकिन एक 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 तरीके से उन्होंने एक इंडिकेट कर दिया कि इस तरीके के मामलों को देखने की जरूरत है। और हालांकि जब ऑनलाइन गेमिंग पे जीएसटी 28% हुआ था तब भी कहा था कि 6 महीने बाद इसको रिव्यू किया जाएगा और ये 6 महीने बाद की ही मीटिंग है। तीसरा बड़ा मामला जो है वो जो एयर रेटेड ड्रिंक्स होते हैं, ये एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं जो सीएसडी कैंटीन्स या यूनिट रन कैंटीन्स में यदि बिकते हैं तो उसमें जो 12% सेस है उसको हटाने का रिकमेंडेशन भी फिटमेंट कमेटी ने भेजा है। जीएसटी काउंसिल को उस पर फैसला लेना होगा। चौथा जो मामला है वो सिगरेट और तबैको को लेकर है। इस पर इंडस्ट्री एक क्लैरिफिकेशन चाहता है, वो क्लैरिफिकेशन हो सकता है कि जीएसटी काउंसिल में आ जाए कि 20% सीजीएसटी 20% एसजीएसटी, क्योंकि यहाँ पे जो है वो सेस भी लगता है, तो उस पर क्लैरिफिकेशन इंडस्ट्री की तरफ से मांगा गया है। लास्ट जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी उसमें कॉर्पोरेट गारंटी राइट तो बहुत सारे मुद्दों पर आप देखने वाले हैं, यहाँ पर एक्शन होने वाला है। ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट तरुण की तरफ से आ रहा है, शुक्रिया तरुण और ये डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। फर्टिलाइजर पर रखिएगा नजर, यहाँ पर बड़ा कदम आ सकता है।